नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों, जम्मू कश्मीर जनता को। इस समय आप तवी पुत्र सूर्यपुत्री तवी नदी के जो किनारे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक इको फ्रेंडली मेला लगा हुआ है। वहीं पर एंटरप्रेनर्स को मनोबल बढ़ाने के लिए सर ने इस समय कुवरानी रितु जो कि सिंह जी यहाँ पर पहुंची हैं, इन्हें इनका मनोबल बढ़ाने के लिए चलिए इनसे बात करते हैं, मैम से भी बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपको भी बधाई आज, यानी शुभकामनाएं आज को भी। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले आज बहुत बहुत शुभकामना मैं देती हूँ, जय देवा। और आज जैसे हम जानते हैं नवरात्रे हैं, अष्टमी है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम माता रानी को प्रणाम करते हुए पिछले 8 दिनों से सबने व्रत भी रखा है, पूजा भी है, और हमने इन बच्चों के साथ जुड़ के मैंने इनको सपोर्ट दिया है कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि माँ तवी के ऊपर एक चर्चा हो रही थी पिछले काफ़ी सालों से कि हम इसको कैसे बचाएं। और आप देखते हैं कि तवी माँ की हालत आज बहुत ख़राब है और बहुत दुख लगता है इसको देख के, उनको देख के। तो माँ तवी भी हमारी माँ है, जैसे हम 9 देवियों को मानते हैं, तवी माँ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माँ है, क्योंकि तवी माँ के कारण हमारे जम्मू का शहर बस रहा है जी। और ये बच्चों ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। क्या क्यों मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि इन्होंने जैसे मेरे राय है कि कुछ भी काम जब आप करने जाते हो, खास करके अपने शहर के लिए, जब अकेला बंदा चलता है तो कई सारे मतलब बहुत मुश्किल होता है जी, है ना। और जो इंक्लूसिव सोसाइटी हमारी और इंटीग्रेशन की बात हम करें, इसकी बात हमें बहुत पसंद आई। मैंने कहा मैं भी ऐसे ही चलती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल लीड करूँगी आपको और एक डायरेक्शन के साथ एक प्रॉपर रोड मैप हम बना रहे हैं। एंड यू नो वी हैव ऑल ऑफ देम हियर द यंगस्टर्स। यहाँ पे एक छोटा सा इको फ्रेंडली मेले का भी आयोजन किया गया और एंटरप्रेनर्स यहाँ पर जो हैं उनके जी जी जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एंटरप्रेनर्स को सपोर्ट करती हूँ, और खास करके हमारे यंगस्टर्स, क्योंकि इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक सही तरीके के प्लेटफॉर्म नहीं। ये जो मेला लगने जा रही है ये इको फ्रेंडली मेला है। इट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप टू सेव माँ तवी। इट इज़ ऑल्सो आवर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन दिस नवरात्रा एंड दिस रामनवमी टू मेक द चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव चेंज एक पहला कदम है, और अगले बार आप देखेंगे हम बहुत शानदार से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे जी। जय माता रानी, जय माता। Thank you, beautiful. This is our chapli. Yes, very nice. So, you got it from the SHG? No, ma'am. This is our own artisan. Wonderful and lovely. So beautiful. So, let's start with the prayer. ये है कि प्लास्टिक बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे लोगों के जो है प्लास्टिक को निकाल कर अखबार में यहाँ पर जो भी सामान वगैरह ले जाने के लिए दिया जा रहा है। और देखिए आप देख रहे हैं इको फ्रेंडली मेले का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। ये देखिए जो छोटे छोटे स्टार्टअप करके लोगों ने यहाँ पर ये डिस्प्ले अपना लगाया हुआ है, और यहाँ के आप इस समय दृश्य देख रहे हैं। बड़े जो हैंडमेड जो चीज़ें हैं जो बनाई हुई यहाँ पे, और ये छोटे छोटे स्टार्टअप के माध्यम से आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत है। और यहाँ पर भी आप देखिए इको फ्रेंडली मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया, और बड़ी सुंदर सुंदर आकर्षक, आप देखिए ये क्रोशिया का काम है, शायद इसी से आपको इयर रिंग्स मिलेंगे। यहाँ पर ये पिन्स हैं, आप देख रहे हैं बड़े सुंदर और आकर्षक, और ये सारे इको फ्रेंडली है। या बिल्कुल ये सारे उनसे बने जी है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम हैप्पी आज, मेरा नाम खुशी है, एंड इस पूरे पेज का नाम हैप्पी आज भाई खुशी है, जिसका स्टार्ट मैंने किया था इस तरीके से कि हम कुछ इको फ्रेंडली चीज़ें अपने एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर सके। मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ, एंड ये मेरा साइड बाय पैशन था जिसको मैं अब इवॉल्व कर रही हूँ और इसको थोड़ा एक्सपैंड कर रही हूँ, जिसमें मैंने कई नए सारे लोगों को जोड़ा है जो ये चीज़ें बना रहे हैं, सीख रहे हैं, एंड यही है कि हम एक ऐसा इको सिस्टम बनाएं जिसमें सब सर्वाइव कर सके और फ्यूचर को भी बचा सके। इस समय आप देख रहे हैं ये, चलिए जानते हैं इनसे। क्या नाम आपका? नितिका गुप्ता। कहाँ से? जम्मू से। क्या बताएंगे आपने जो स्टॉल छोटा सा लगाया आपने? यस मैम, ये एक होममेड कुकीज़ हैं। यूजुअली ये सारी स्टफ्ड कुकीज़ हैं, और ये फॉरेन में मिलती हैं ऐसी कुकीज़, यहाँ पर जम्मू में कोई ये वाली कुकीज़ नहीं मिलती हैं। सो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम स्टार्टअप है, तो लेट्स सी कैसे एक्सपीरियंस होता है हमारा। तो मैं एक्चुअली अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ये जस्ट खुद घर पर ही अपना स्टार्टअप है, तो एक मेरा होम बेस्ड बिजनेस है। क्लाइमेट फ्रंट जम्मू से हमारे साथ, आप नाम बताइए अपना। अरे तंबरा खजूरिया मेरा नाम है। से यहाँ पर आज 2 दिन पहले मेयर जम्मू के ने कहा था कि यहाँ पर साख विसर्जन नहीं होगा, वो होगा नहर में।
आपके लिहाज से क्या क्या लगता है, सही है? मेरे लिहाज से जितनी मेरे को समझ है, सांख जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, और पिछले कई सालों से जो एनजीओ का सेक्शन है वो JKPCC की मदद से या फिर अकेले हर जगह स्टॉल्स लगाता है और सेग्रीगेशन की कोशिश करता है। और वैसे ही एक प्रिकॉशनरी स्टॉल हमने आज भी लगाया है, क्योंकि हमें पता है लोगों की आस्था तवी माँ से जुड़ी है, सूर्यपुत्री तवी से जुड़ी है। अभी भी और पीछे लोग साग परवा रहे हैं वहाँ पर। हाँ, हम पर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बताइए। हम लोगों से लड़ नहीं सकते साग परवाने के लिए, हम माता रानी को रोक नहीं सकते, माता रानी के चरणों से तवी बहती है और वहाँ पर हम ये चीज़ रोक की नहीं जा सकती। तो हमने प्रिकॉशनरी लोगों से विनती कर रहे हैं कि कृपा करके आप प्लास्टिक के लिफाफे, जो आपके जोत के डिब्बे होते हैं और जो प्लास्टिक की चीजें हैं, वो ना लेके जाते हो, सिर्फ सांख ले जाइए। और हमारे पास एक छोटा सा इनिशिएटिव भी है कि जो हम यहाँ से फूल इकट्ठे कर रहे हैं वो हमारे पास इको सामर्थ है, दिशा है और भी ऐसे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो उन फूलों की अगरबत्तियाँ बना देते हैं और वो मंदिरों से भी फूल लेके अगरबत्ती बनाते हैं, तो वो फूल हम वहाँ दे रहे हैं और इस तरीके से अभी हम यहाँ पे चला रहे हैं। और बस मेरा यही मानना है कि हम किसी भी वाटर बॉडी को किसी को ऊपर या किसी को नीचे ना लेके रखें। ऐसा नहीं है कि हमारी तवी रिवर जो है वो कैनाल से श्रेष्ठ है, कैनाल भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमें, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि कैनाल के अंदर कुछ भी डालो और तवी के अंदर आप सांख ना डालिए। और अगर आप मुद्दों पे बोलने आओ तो ऐसी बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी तवी माँ के अंदर रोजाना जा रही हैं जो नहीं जानी चाहिए, बट एक दिन सांख विसर्जन से कुछ होगा नहीं। हमें कई सालों से हमारे ऊपर ऐसी बातें की जाती है कि यहाँ पर एनजीओ वाले हर साल हिंदुओं का त्यौहार खराब करने आ रहे हैं, जबकि हम खुद हिंदू हैं और हमारी आस्था खुद माँ के साथ जुड़ी है, और हम को त्यौहार कभी, जैसे इस बार भी और हर बार की तरह, कभी त्यौहार खराब करना की हमारी मंशा होती नहीं है। हमारी मंशा यही होती है कि कृपा करके प्लास्टिक आप नहीं डालिए। और इसी बार, इस बार भी हमने यहाँ पर लोगों के जो है, लोगों को इस सस्टेनेबिलिटी का जो हम कॉज प्रमोट कर रहे हैं और प्रोटेक्टिंग रिवर्स का जो कॉज प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए हमने लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटे स्टॉल्स का भी आयोजन किया है, जहाँ पे हमारे पास फूड स्टॉल्स हैं, कुछ हैंडमेड आइटम्स के स्टॉल्स हैं, हैंडमेड सोप्स के स्टॉल्स हैं, बिन्ना का स्टॉल है, बिन्ना जम्मू का एक लोकल हैंडीक्राफ्ट है, उसका स्टॉल है, ताकि हम लोगों को। और पूजा पे अगर मैं बोलना चाहूँ, पूजा जो हमारी है वो कभी अनसस्टेनेबल नहीं रही है, पूजा हमारी हमेशा से एक सस्टेनेबल चीज़ रही है। अगर हमारी पूजा अनसस्टेनेबल होती तो हमारी नदियाँ आज तक ख़त्म हो गई होती। हमारी नदियों का आज जो ये हाल हुआ है, ये पिछले 20 सालों में ही हुआ है। तो हमारी पूजा के साथ जब से प्लास्टिक मिला है और ये जो विदेशी चीज़ें मिली हैं, तब से हमारी पूजा प्रॉब्लम हुई है। तो हमें पूजा के प्रोसीजर को नहीं रोकना है, हमने बस उन चीज़ों को रोकना है और लोगों को नुकसान होता है, और लोगों की याद दिलाना है कि पुराने की तरह पूजा की जाए। अपने दादू दादी से पूछें कि वो कैसे पूजा करते थे, उनसे पुराने बुजुर्ग भी होते हैं गेहूँ के घर में, उनसे पूछें कैसे पूजा की जाती है और उन चीज़ों पर जाएँ। जय माता दी। आज इस तरह से दुर्गाष्टमी का त्यौहार था, दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी के दिन यहाँ पर तवी नदी में या फिर ये कहें हम नहर में लोग साग परवाते हैं, और यहाँ पर किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम नहीं, बल्कि ये है कि सूर्यपुत्री तवी नदी को गंदा ना किया जाए। क्योंकि प्लास्टिक की अगर बात करें तो लगातार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी प्रयास करिए, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण को तो खराब करता है, कहीं ना कहीं हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए भी हानिकारक है। कई बार गौ माता जो इस प्लास्टिक को सेवन करके या और जानवर जो खाकर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी के चलते आज यहाँ पर आपने देखा इको फ्रेंडली एक छोटा सा मेला लगाया गया और लोगों को ये समझाया जा रहा है, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है। और एकदम से अगर आप कहेंगे कि साग को ना परवाएं तो लोग कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो यहीं पर आज एक मेले के माध्यम से और यहाँ पर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, इसलिए कि आप साग जरूर परवा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, पर हाँ जो प्लास्टिक है उसे ना लेकर जाइए, ये हमारा भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है। सूर्यपुत्री नदी अगर बात करें तवी की, तो सिर्फ एक की नहीं है, पूरे जम्मू की है, जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो हमें उसका भी सम्मान करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी वजह से सूर्यपुत्री तवी जो है इसको हानि ना हो। चलिए आपको फिर से कहेंगे जाते जाते दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता जरूर ये ध्यान रखे कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, पर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचा कर नहीं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए।